अगर आप जमीन पर चांद सितारों के मिलन जैसा नजारा देखना चाहते हैं तो दीपोत्सव के दिन राम की अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इस दिन शाम को सूर्य तट की दाहिनी ओर राम की पौड़ी पर जलने वाले लगभग 15 लाख दीपों का सूर्य के प्रवाहित होते जल में दिखता छाया आपको ये एहसास कराएगा। बता दें कि इस दीपोत्सव को भव्यतम बनाने में प्रशासन और शासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। दीपोत्सव का यह आयोजन कैसे भव्य हो इसके लिए पिछले कई महीनों से स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुटी है। वहीं शासन स्तर से भी इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। समय समय पर शासन के शीर्ष अधिकारी मौके पर जाकर तैयारियों की निगरानी करते हैं। 19 अक्टूबर को इसी मकसद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे। इस दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के दर्शन पूजन और मंदिर निर्माण के प्रगति का निरीक्षण किया, साथ ही दीपोत्सव कार्यक्रम के स्थलों पर हो रही तैयारियों का निरीक्षण किया और इसी बाबत समीक्षा बैठक भी की। दरअसल मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की पहल से दीपावली से एक दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की गई। माना जाता है कि राम के वनवास से अयोध्या वापस आने पर वहां के लोगों ने खुशी में अपने घरों एवं चौबारों में दीपक जलाए। त्रेता युग की उसी याद को ताजा करने के लिए दीपोत्सव की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सूर्य की भव्य आरती के अलावा पूरे अयोध्या मंदिरों, मठों, घाटों, सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों की साज सज्जा के साथ लाइटिंग, म्यूजिकल रेजर शो, म्यूजिकल ग्रीन फायर एवं दीपकों से जगमगा उठती है। अयोध्या में सूर्य के दाहिनी और राम की पौड़ी पर लाखों दीपकों का एक साथ जलते देखना तो खुद में अभूतपूर्व और अकल्पनीय होता है। सूर्य के जल में पड़ता इनका हर एक छाया दिखकर यही लगता है मानो आसमान के सभी चांद सितारे भी अपने राम के वनवास से आने की खुशी में अयोध्या ही आ गए हो। प्रयास ये कहता है कि ये पूरा परिदृश्य बहुत हद तक वैसा ही हो जब भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और अन्य साथियों के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे। दीपोत्सव के दिन भी दोपहर बाद राम, लक्ष्मण और सीता का स्वरूप बने मंचनीय कलाकार हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं। मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद रहती है। इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी का भी आना प्रस्तावित है। साल 2017 में शुरू दीपोत्सव हर साल खास से और खास होता जा रहा है। अगर अब की बार यहाँ प्रधानमंत्री का आना हुआ तो ये दीपोत्सव बेहद खास हो जाएगा। दीपोत्सव के बाद राम का राजतिलक होता है। रामलीलाओं का मंचन तो पूरी रात चलता रहता है। दीपोत्सव के नाते अयोध्या की देश दुनिया में जबरदस्त ब्रांडिंग हुई। हर साल दीप प्रज्वलन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। वैश्विक महामारी कोरोना को अपवाद मान ले तो अयोध्या आने वाले देशी विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।